मेरे प्रिय लोगों, प्रभु की स्तुति हो। आशा करता हूँ कि भले चंगे हैं आप सभी लोगों को स्मरण करके परमेश्वर की महिमा करता हूँ। यीशु के नाम से आपको बधाई। जीसस मीट्स फैमिलीज जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार मिले हुए सबको याद करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। इस दुनिया में हम कहीं ना कहीं पर हैं, पर हमारा एक ही पिता है, हमें परमेश्वर के परिवार का एक अंग बनाया है। परमेश्वर की स्तुति हो। चाहे जिस परिस्थिति में हो, प्रभु में आप आनंदित हैं और कहिए कि परमेश्वर की स्तुति हो और उसके बल के द्वारा मुझे सब कुछ करने का सामर्थ्य मैंने पाया, ऐसा कहिए। वह सब कुछ देख लेगा, ठीक है। वह भला परमेश्वर है। लगातार उसकी स्तुति कीजिए। जीसस मीट्स सेवकाई और हमारे परिवारों को आप स्मरण करते हो, प्रार्थना करते हो। थैंक यू सो मच। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज विशेष रूप से परमेश्वर की आत्मा हमसे कहने चाहता है, जो मुझे प्रेरित करता हुआ है, याकूब की पत्री 4:5। जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? यहां पर बताया गया है कि ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो। हे परमेश्वर, आप कह सकते हो कि हे परमेश्वर, वैराग्य से भरा हुआ परमेश्वर है। जहां तू नहीं चाहता वहां मैं न जाऊं, जो तू नहीं चाहता उसे ना खाऊं, जिस वस्त्र को तू नहीं चाहता उसको ना पहनूं। ऐसे परमेश्वर के साथ हर दिन मिलकर बात करने का मौका मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं। हमारे अंदर जो वास करने वाली जो क्रिया है, वह मालूम है क्या है? आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके परिवार के बारे में। वैराग्य से भरा हुआ परमेश्वर है। शत्रु जब महानद की तरह आता है, वह हमें वहां से उठाकर प्रार्थना करने लायक बना देता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आप देखो तो हर एक देश में रडार रखे हुए, अन्य देश से कुछ आ रहा है कि नहीं देखने के लिए। अन्य लोग जो हैं, समुद्र के मार्ग से या आकाश से, आसमान से उड़कर कुछ आता है क्या? ऐसे लगातार कैमरा देखता रहता है। ऐसे देखने से क्या होता है, तुरंत कुछ घटना घटती है तो नीचे अपने छावनी के उस कंट्रोल रूम से जो है उसे भेजकर उसका विरोध करके उसको नाश कर देते हैं। ऐसा ही होता है। तो मेरे प्रिय लोगों, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके चारों ओर परमेश्वर की आत्मा घिरा हुआ है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आत्मा में भरकर उसकी स्तुति कीजिए। ये भाषा में जब जब समय मिलता है बोलिए। परमेश्वर की महिमा लगातार करते रहो तो काफी है। परमेश्वर आपके ऊपर बिल्कुल प्रिय है, वही नहीं, परमेश्वर के लोगों, वह वैराग्य और लालसा से भरा हुआ है। आमेन। मेरे बच्चों के विरोध में जो कोई भी औजार खड़े होते हैं, बिल्कुल नाकाम कर देता है। वह आपके लिए विनती करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। किसी भी चीज को लेकर चिंता मत कीजिए। आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि हे परमेश्वर, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। कार ड्राइव करते हो तो कहिए कि हे परमेश्वर, तू मेरे साथ है। मोटरबाइक चलाते हो, कहिए हे परमेश्वर, तू मेरे साथ चल रहा है। शहर आटा में जाते हो, बस में जाते हो, हे परमेश्वर, तू मेरे साथ है। हे पिता, उसकी स्तुति लगातार करते रहिए। आश्चर्य रूप से आपको चलाता रहेगा और आप उसे देख पाओगे। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ मिलकर विश्वास में आप प्रार्थना कीजिए। पवित्र पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, वैराग्य और लालसा से भरा हुआ परमेश्वर, याकूब 4:5 के अनुसार हमारे अंदर, हमारे भीतर वास करने वाली आत्मा, तेरे बच्चों के अंदर वास करने वाली परमेश्वर की आत्मा, तेरे बच्चों के घरों में वास करता है तू। हे परमेश्वर, तू लालसा और इसका प्रतिफल ढा है, उसके साथ तू हमारी सुरक्षा करता है। अब तक चलाने वाला परमेश्वर लोगों को चला, उनको संभाल, उनकी सुरक्षित रख ले। परमेश्वर का हाथ सदा उनके साथ रहकर सभी प्रकार की बुराइयों से बचा के रख। परमेश्वर की शांति लगातार घरों में बना रहे, आशीषों से भरपूर कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। यही परमेश्वर ने मेरे मन में डाली हुई बात है
कि आप इसे विश्वास करते हो। हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आपने प्रार्थना कर लिया है ना, परमेश्वर आपको जरूर आशीषों से भरपूर करेगा। दूसरों के साथ जरूर से शेयर करें। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, जो सुन रहे हैं उनको प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की इच्छा हो तो फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।